हेलो स्टूडेंट्स, इसमें हम समझेंगे कि तलपट ट्राइबैलेंस क्या होता है, उसकी मीनिंग, उसकी डिफिनेशंस और ट्राइबैलेंस हम क्यों प्रिपेयर करते हैं, इसके क्या फीचर्स होते हैं, उसके फॉर्मेट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, पहले डिफिनेशन समझते हैं कि ट्राइबैलेंस कहता है। ट्राइबैलेंस इज अ बुक कीपिंग सिस्टमेटिस्ट वर्कशीट कंटेनिंग द क्लोजिंग बैलेंसेज ऑफ ऑल द अकाउंटिंग्स कंटेनिंग टू साइड्स। एक क्या साइड होता है, लेफ्ट हैंड साइड जिसे हम डेबिट बोलते हैं, दूसरा होता है राइट हैंड साइड जिसे हम क्रेडिट बोलते हैं। And the total of these two sides should be equal and it is prepared periodically, usually while reporting the financial statement. ट्राई बैलेंस क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है जिसका एक लेफ्ट साइड मीन्स एक डेबिट साइड होता है और क्रेडिट साइड होता है, वो टोटल होता है जो हम बहुत सारे किससे बनाते हैं, लेजर अकाउंट से हम क्या बनाते हैं, ट्राई बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, इसलिए बनाते हैं। Why to prepare? It helps in the detection error, gives an overall idea of all the ledger's account, assuming that every debit having the corresponding and opposite effect. कहता है कि हर debit का क्या एक corresponding effect होना चाहिए credit का, और ये error और कोई overall arithmetical accuracy देखता है books of account का, arithmetically उसको check करता है। और try balance एक तरह का statement होता है, एक list of balances होते हैं जो हम ledger account से लिए जाते हैं, इसको prepare किए जाते हैं। बेसिकली इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ये अर्थमेटिकल एक्यूरेसी देख सके हमारे किसका, लेजर अकाउंट का, और बैलेंसेस ये चेक कर सके। ठीक है, डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंसेस कैश एंड एसेट्स का बैलेंसेस, क्रेडिट साइड में ऑल इन द इनकम्स कैपिटल रिजर्व्स एंड द लाइबिलिटीज बैलेंसेस। डेबिट साइड जिसे हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, उधर हम दिखाते हैं जितने भी हमारे खर्चे एक्सपेंसेस कैश और एसेट्स के बैलेंसेस, वहीं क्रेडिट साइड हम दिखाते हैं जितनी भी इनकम्स रहती है, कैपिटल रिजर्व्स और लाइबिलिटीज के बैलेंसेस को शो करते हैं। ठीक है, अब उसमें भी कुछ एरर्स होते हैं, जैसे एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब हमने कोई गलती कर दी, भूल गया। एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री, हमने एंट्री करना ही भूल गया, ऐसे एरर्स। एरर ऑफ रिवर्स एंट्री, मुझे जिसको डेबिट करना था मैंने क्रेडिट कर दिया और क्रेडिट वाले को डेबिट कर दिया। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल, कुछ जो प्रिंसिपल दिया है अकाउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हमने कोई एरर कर दी। ठीक है, कंपनसेटिंग एरर, कंपनसेटिंग एरर की हमें जिस पर्सन के अकाउंट में करना था मेंशन, हमने क्या कर दिया, वो डेबिट ना करके क्रेडिट कर दिया, तो वो सारी क्या होती है, कंपनसेटिंग एरर। तो ये सारी भी एरर हमारी क्या होती हैं, इसमें होती है कि हमने कोई एंट्री भूल गई, हमने कोई गलती से अमाउंट लिख दिया, हमने कोई क्या किया, जिसको डेबिट करना था उसे क्रेडिट कर दिया। तो ये सारी अनडिटेक्टेबल एरर्स होती हैं हमारी ट्राय बैलेंस में। अब जो शीट होता है, जैसे ये प्रोफॉर्मा दिया, पर्टिकुलर्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट होते हैं, शेयर कैपिटल, देखिए जितना डेबिट में और क्रेडिट का बैलेंस यहाँ पर क्या होना चाहिए, ट्राई बैलेंस में बराबर होना चाहिए। शेयर कैपिटल दिया है जैसे 20,000, मशीनरी दिया है हमने डेबिट किया है 15,000 से, डेटर्स 12,000, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 3,000 से, बैंक लोन 10,000 से। तो हमने क्या किया है, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस क्या होना चाहिए, टोटल होना चाहिए 30,000। तो आई होप आप लोग को समझ में आएगा ट्राई बैलेंस होता क्या है, इसके डिफिनेशन, इसके फीचर्स को समझे होंगे। ओके, थैंक यू।